श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने अब एक बार फिर श्वेता तिवारी पर कई इल्जाम लगाए हैं। अब राजा ने कई चीजों को लेकर बात की है। उन्होंने अपने ब्रेकअप और बेटी पलक संग रिश्ते पर भी खुलासे किए हैं। श्वेता से तलाक के बाद राजा एक्ट्रेस श्रद्धा शर्मा को डेट करने के लेकर सुर्खियों में थे, मगर अब इनका भी रिश्ता टूट चुका है। बता दें कि श्रद्धा शर्मा ने हाल ही में राजा चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्हें शराब पीने की लत है और उनके साथ वो काफी हिंसक व्यवहार करते थे। वो रिहैब सेंटर भी होकर आए हैं। अब श्रद्धा के बाद राजा चौधरी ने इस बारे में चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि हाँ, मुझे पीने की समस्या है, मेरे साथ केवल एक ही मसला है, मैं कई डॉक्टर मनोचिकित्सकों को दिखा चुका हूँ। राजा चौधरी ने ये भी कहा है कि अभी भी उनका इलाज जारी है। बता दें कि लॉकडाउन में राजा चौधरी यूपी में अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। इस बारे में राजा चौधरी का कहना है कि जब आप कुछ नहीं करते तो आपकी इज्जत भी कम हो जाती है। राजा ने बताया है कि उनके माता पिता ने उनसे वापस मुंबई जाने के लिए कहा था। राजा चौधरी ने बताया कि उनकी जिंदगी तब बदल गई जब श्वेता तिवारी ने उनसे अलग होने का फैसला किया। उनकी इमेज खराब हो गई, लेकिन वो ऐसे नहीं है। जब राजा चौधरी से पूछा गया कि क्या वो बेटी पलक से बातचीत करते हैं, इस पर उन्होंने कहा हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से वो काफी बिजी है। ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने आगे कहा कि वो पलक को फोन नहीं करते, ज्यादातर वो मैसेज या फिर ईमेल करते हैं और उसके जवाब का इंतजार करते हैं।